पूछता है उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस अहम विषय की जो उत्तराखंड की सियासत में एक अहम सवाल और पहली बन के खड़ा है। वो पहली जिसे सुलझाए नहीं सुलझा सकते, वो पहली जो हर 5 साल के बाद आती है, वो पहली जो खुद कैबिनेट मंत्री खड़ा कर दे। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की, उस शख्सियत की जिसकी हसरत मुख्यमंत्री बनना तो है ही, लेकिन उनकी हसरत हर 5 साल के बाद एक नई सीट की भी हो जाती। वैसे वो शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं, उत्तराखंड की सियासत का बच्चा बच्चा जानता है, समझता है और देखता भी है। ये उत्तराखंड का सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें कि हर 5 साल में सीट बदलने वाले इन महान नेता ने जब जब सीट बदली चुनाव भी जीता। जी मैं बात कर रहा हूं हरक सिंह रावत की। धामी कैबिनेट के कोहिनूर हरक सिंह रावत एक बार फिर से उनकी नई सीट की हसरत कई सवाल खड़े कर रही है। हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में है, एक बार फिर से उन्हें हसरत है एक नई सीट की। एक नहीं, इस बार नजर उनकी 3 सीटों पर है, एक खुद के लिए, एक पुत्र वधु के लिए, एक सीट और भी चाहिए, वो किसके लिए? सवाल और जवाब अपने आप में इसलिए भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के घर में इस बात को लेकर टेंशन है कि हरक सिंह रावत को किस सीट पर चुनाव लड़वाया है। हरक की हसरत सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, विधायक बनने की नहीं है, मंत्री बनने की भी नहीं है, असल में उनकी हसरत तो मुख्यमंत्री बनने की। ऐसे में इस बार हरक सिंह रावत की रडार में कौन सी सीट है ये सवाल बना हुआ है। वैसे 3 ऑप्शन सामने आए, पहला ऑप्शन डोईवाला, दूसरा ऑप्शन लैंसडाउन और तीसरा ऑप्शन केदारनाथ। हरक सिंह रावत को जानने और समझने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि हरक जो बात कहते हैं वो ठोक बजा कर। बागी नेताओं का 2016 में नेतृत्व करने वाले हरक सिंह रावत मसूरी में भी कांग्रेस में एंट्री करवा चुके, अपने एक खास चेहरे को मसूरी से चुनाव लड़वाना चाहते। केदारनाथ वो सीट है जहां पर शेला रानी रावत कभी विधायक रही, वही शेला रानी रावत जो कभी उनके साथ 2016 में बागियों की कतार में खड़ी, ऐसे में उनकी सीट पर भी उनकी नजर है। आपको बताएं आज इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरक सिंह रावत की हसरत क्या बीजेपी में पूरी हो पाएगी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ सीमा डोरा जुड़ चुकी है जो कि बीजेपी का चेहरा है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी। तो सबसे पहले सीमा डोरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा हरक सिंह रावत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। और हरक सिंह रावत अपने आप में एक पहली है जो कांग्रेस नहीं सुलझा पाई, अब बीजेपी उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि हरक सिंह रावत कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको, कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन देते ना सीमा मैडम जैसे, वैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है डोईवाला, जिससे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी विधायक है। दूसरा ऑप्शन लैंसडाउन, जहां पर दिलीप सिंह रावत आपके विधायक है, रोज कोसते हैं हरक सिंह रावत जी को, रोज ऑफ रिकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन केदारनाथ,
शीला रानी रावत जो उनके कल तक साथ खड़ी थी और आज उनकी सीट पर ही। और चौथा ऑप्शन है मसूरी, वो मसूरी लड़ना नहीं चाह रहे, वैसे किसी और को लड़वाना चाह रहे। आपको क्या लगता है इन चार सीटों में से सही ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन तो हमारा शेष नेतृत्व सेटल करता है, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि हाँ वो एक जुझारू नेता है और उनको पता है कि वो जहां से भी लड़ेंगे जीत जाएंगे, इससे ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जहां से भी लड़ूंगा जीत जाऊंगा, इसलिए वो मांग रहे हैं कहीं से भी टिकट। जहां बाकी अब डिसाइड तो दिल्ली से किया जाएगा, जो भी डिसाइड होगा उस वहां से लड़ लेंगे। नहीं सीमा मैडम, ये गलत फहमी है, मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों को गलत फहमी हो। डिसाइड हरक सिंह रावत करते हैं, ये आपकी पार्टी की रीत हो सकती है कि आपकी पार्टी डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन हरक सिंह रावत के बारे में शायद आप जानती हैं, बोलना नहीं चाह रही। हरक सिंह रावत खुद डिसाइड करते हैं कहां पे चुनाव। ऐसा नहीं है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता, कितना भी बड़ा कैंडिडेट हो खुद नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं कहां से लड़ूंगा। जी जी बिल्कुल, ये तो मैं आप ही कह रहे कि हरक सिंह रावत, हरक सिंह रावत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो खुद सीट चुन ले और खुद डिसाइड कर ले कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं पर डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसे ऑप्शन देने की सुविधा सारे विधायकों को उपलब्ध है। ऑब्वियस हमारे तो कह देते हैं कौन 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 सी सीट से लड़ना बताओ। अच्छा तो ऐसा नहीं है। ओके ओके, तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी के पास ये खुला ऑफर है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं एक आपसे सवाल का जवाब चाह रहा हूँ सीमा मैडम, कि ऐसा क्यों होता है कि हरक सिंह रावत एक सीट पर नहीं टिक पाते हैं? आपको क्या लगता है? फिर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया मैडम, हरक सिंह रावत एक सीट पर क्यों नहीं टिक पाते हैं? आपको क्या लगता है? पता नहीं, आवाज इको हो रही है, साथ समझ में नहीं आ। हाँ मैडम, मैं सवाल दूसरा पूछूं? नहीं नहीं ये पूछ लीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा ओके ओके, मैंने ये पूछा कि हरक सिंह रावत आपको क्या लगता है कि एक सीट पर क्यों नहीं टिक पाते? जी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत काम करते हैं और वो बहुत जुझारू है और वो अपने आप में उनको बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए। अच्छा, वो इसलिए एक सीट पर नहीं टिक पाते हैं, इसलिए वो मांगते हैं, वो सोचते हैं कि मैं। और होता ना कि एक आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो उसको लगता है चलो ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, तो ये वो उनमें से है। अच्छा अच्छा, मतलब जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और फॉर्चुनेटली वो जीत जाते हैं इसलिए वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ जीत जाते हैं, वही सही कह रहे हैं आप, जीत जाते हैं, उनको मालूम है कि जीतना कैसे है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कभी आपने रुद्रप्रयाग की जनता से पूछा कि आपने हरक सिंह रावत को वोट दिया था वो फिर भाग गए? आप कोटद्वार की जनता से आपने पूछा कि आपको, आपने उनको वोट दिया वो फिर भाग रहे हैं? कभी आप लोग पूछते हैं इस तरह से सवाल की जनता से कि देखिए भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, कभी पूछा आपने जनता से? देखिए जनता जो कहती है हम उस पर देखते हैं कि अगर जनता खुश नहीं है तो वहां से टिकट ना दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीत के समीकरण बैठाने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी कंडीशंस पे ही जो विधायक होंगे या जो भी मंत्री होंगे हमारे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे ही जो काम कर पाएगा उसी को टिकट दिया जाता है। अच्छा, तो ये आपकी विचारधारा के अनुकूल टिकट मांग रहे हैं? मांगेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। कोटद्वार में इतना विकास किया उन्होंने, विकास की गंगा बहा दी जैसे रुद्रप्रयाग में बहाई थी, अपने सारू भाई के खिलाफ चुनाव लड़े थे मैडम ये, और फिर कैसे जीते क्यों जीते वो खैर वो एक अलग मसला हो सकता है, उनको मालूम है चुनाव जीता कैसे जाता है। मैं समझ रहा हूँ उनको सब मालूम है कि चुनाव जीता, तभी कहते हैं 10 दिन पहले बता देना किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं, ऑफर तैयारी वो उसी दिन शुरू कर देते जिस दिन चुनाव जीतते हैं, अगली सीट की तैयारी वो तभी से शुरू कर देते हैं उस विधानसभा पर, क्योंकि उसी विधानसभा से तो उनको लड़ना नहीं होता, तो अगली जो विधानसभा होती है उनका जो टारगेट होता है वो 5 साल पहले ही शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या बता सकते हैं कि कोटद्वार में उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा देता हूँ, वो मेडिकल कॉलेज का इस्तीफा नहीं था मैडम, वो इस्तीफा कुछ और था, वो जनता समझ रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ आपको लगता है कि कोटद्वार में उन्होंने विकास कर दिया, आप जो है नई विधानसभा सीट की बारी है?
जी आप खुद ही बता रहे हो कि कोटद्वार में बहुत विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं, मैं मेडिकल। तो कह रहा हूँ विकास की गंगा बहा दी मैडम उन्होंने कोटद्वार में, जैसे रुद्रप्रयाग में बहाई थी जी नहीं, ये तो कोटद्वार जनता को में। देखना पड़ेगा, ये तो जनता को देखना पड़ेगा कि जहां विकास नहीं हुई है वहां से स्वीकार है ना नेता को। अच्छा, अब मैडम एक बात जैसा इतनी बताइए, अब प्रेशर में आएगी बीजेपी हरक सिंह रावत के? देखिए, बीजेपी कभी प्रेशर में नहीं आती, यहाँ ऑप्शंस बहुत ज्यादा, वहां प्रेशर नहीं होता। 90% वो जो जनता जिताती है वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जिताती है। 10% और 20% हार्डली होता है कि वो उम्मीदवार के ऊपर हो, तो कोई भी आएगा वो जीतेगा ही। अच्छा, जनता विकास वोट खरा है तो मोदी को विकास देती है? मैडम देती है, बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। हरक सिंह रावत को आप जानते नहीं है या फिर जानकर अनजान बन रहे हैं? अभी तो आप मुझे बता रहे थे कि नहीं, हरक सिंह रावत जहां से चुनाव लड़ते हैं वो जीत जाते हैं। ये हमारे पास तो जीतेंगे ही, हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं तो जीतेंगे, जहां मर्जी से लड़ा लीजिए। वो मैडम एक एक वो तब चर्चित से कम चेहरा उम्र के है, कैबिनेट एक मंत्री रहे हैं, एक लोकप्रिय चेहरा है, ये भी नहीं आप कह सकते उस बहुत पे। और लोकप्रिय चेहरा है काम तो मैडम, आपको मालूम नहीं है? वो मंत्री ऐसे हैं जो अपने जूते की नोक पर मंत्रालय रखते हैं, मैं अपने ऐसी जूते बात की नहीं नोक कह पर। सकती कि मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती कि वो ऐसा कहते होंगे नहीं, वो या मैंने बताते हैं नहीं मैडम, सुना। उन्होंने बताया सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताया कि मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, और एक बार तो उन्होंने धारी देवी की कसम भी खाई थी कि मंत्री नहीं बनूंगा। इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मंत्रालय जैसा पवित्र शब्द अगर जूते की नोक पे नहीं रखना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा मैडम एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्रेशर में नहीं आ रही है बीजेपी, लेकिन फिर भी एक एक घंटे बंद कमरे में उनके साथ बातचीत कर रहे हैं आपके प्रभारी, ऐसा क्यों? देखिए, एक बहुत सीनियर नेता है वो, और जब कहेंगे कि मुझे यहाँ से सीट चाहिए तो थोड़ा सा कोशिश तो करी जाएगी समझाने की कि नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे कर लो, समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हरक मुझे सिंह रावत लगता है को वो समझा लेंगे? समझदार है, डेफिनेटली समझा ही लेंगे, ऐसा नहीं है। कौन पार्टी से बड़ा समझाएगा? कुछ नहीं होता, कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता, पार्टी सबसे नहीं, ऊपर। फिर हरक सिंह रावत को हमारे समझा लेंगे आप लोग? कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि डोई वाला सीट ही क्यों? हरक सिंह रावत की डोई जो वाला पसंद है, जो माना जा रहा है कि पहली प्राथमिकता उनकी है डोई वाला सीट ही क्यों? ये तो आप उनसे पूछिए, ज्यादा अच्छे से बताएंगे डोई वाला ही क्यों। अच्छा, मैं उनसे पूछूं? मैंने तो कई बार बोला कि इंटरव्यू दीजिए, अब देखिए हरीश रावत जी इंटरव्यू दे देते हैं मुझे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इंटरव्यू दे देते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों धामी जी भी इंटरव्यू दे देते हैं लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते, पता नहीं क्यों। इतने विद्वान मंत्री हैं, मैं तो खुले मंच पर कहता हूँ कि आइए और इंटरव्यू दीजिए, मैं पूछ लेता मैडम उनसे, इंटरव्यू ही नहीं देते वो। नहीं, हमसे पूछ लीजिए कि वो क्यों इंटरेस्टेड है डोई वाला पे। डोई वाला पे चाहे त्रिवेंद्र जी हो या वो हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ है उसकी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कोई भी करेगा, छतरी भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए बस। हमारे लिए तो अच्छा, सभी एक जैसे हैं, सभी रिस्पेक्टिव हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी बहुत ही, हम तो उनके साथ हैं जो लड़ेगा। जो लड़ेगा। ओके, मनोज रावत कांग्रेस से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं चाह रहा था कि लाइव कार्यक्रम में वो शामिल हो लेकिन मेरी मजबूरी, वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। मनोज रावत जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मनोज रावत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज रावत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज रावत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ओके, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दोबारा जुड़ने की। लेकिन एक बात मैडम, ये तय दिल्ली में होना है आप कह रहे हैं और बैठ के यहां, और ये देहरादून में, हरक सिंह रावत को लेकर इतनी कश्मकश क्यों बनी हुई है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस फॉर्मूले को सुलझाया जा सकता है? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है बातचीत किसी भी प्रॉब्लम का, और ऐसा नहीं है कि उनको इतना ज्यादा उनका प्रेशर है। ये है कि वो एक अच्छे नेता है, कर्मठ नेता है, और पता है कि वो सक्षम है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति उनको अच्छे से आती है और जनता ओके, को समझाना महेश भी अच्छे जोशी से जी मेरे आता साथ है। कांग्रेस से जुड़ गए हैं। महेश जोशी जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको?
जी नमस्कार नमस्कार महेश जोशी जी, मैं चाह रहा था कि आप कार्यक्रम में लाइव हिस्सा बने, लेकिन लग रहा है तकनीकी दिक्कत की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं जी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आपको मालूम चला कि हरक सिंह रावत की असर से कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने हिलोड़े मार रही है, वो एक बार फिर से नई सीट की तलाश में है, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सीट पर जाने वाले हैं? ऐसा है कि वो हरक सिंह रावत जी कभी डोईवाला से कभी केदारनाथ से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार उनकी बात हो रही है और वो उनका प्रेशर करना प्रेशर पॉलिटिक्स करके पूरे साल भर इसी काम में लगे रहे। अब तो उसका मेन जो कारण है मेन कारण ये है कि वो कोटद्वार की जनता ने अभी उन्होंने कुछ वहां पे कोई विकास कार्य किए नहीं, तो इस वजह से वो कोटद्वार में उन्हें पता है कि यहाँ से मेरी हार निश्चित है, इसलिए वो कोटद्वार से चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं है। नहीं, 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 जी महेश जोशी जी आप गलत फहमी में हैं, उनको मालूम है कि चुनाव जीतना कैसे, सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीमा जी जानती है कि वो बता रही थी कि वो जानते हैं कि जनता को बेवकूफ मतलब जनता को जनता का दिल कैसे जीतना है, वो हरक रावत जी जानते हैं। नहीं नहीं बेवकूफ आपने नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया कि जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, मैं शब्दवाद से देता हूँ, वो कह रहे हैं कि उनको मालूम है कि जनता का दिल कैसे जीतना है। महेश जोशी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोटद्वार की जनता उन्हें नकार चुकी है, अब वहाँ पे कांग्रेस का बहुत अच्छा सुरेंद्र सिंह नेगी जी का काफी अच्छा आधार है और अभी पिछले 5 सालों में वो कुछ कार्य कर नहीं पाए जिस तरह से करना चाहे। दूसरा भाजपा में रहते हुए उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था महेश जोशी जी, रुद्र प्रयाग में कोई पहाड़ तोड़ा था? वो हर बार तो 5 साल में सीट चेंज कर लेते हैं, आपके यहाँ होता तब भी सीट चेंज करते, कौन सी नई बात है? नहीं नहीं मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में कोटद्वार तो पिछले परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूँ ना सर, आपके यहाँ भी थे तो वो सीट बदल लेते थे और ठोक बजा के बदलते थे और बताते थे कि मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो आप रोक लेते थे क्या उनको जो सीमा जी रोक लेंगे? ठीक है उनका एक एक स्वभाव है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। अच्छा प्रेशर पॉलिटिक्स, हाँ वो तो माहिर कांग्रेस, आपको लग रहा है कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स प्रेशर में आ जाती थी बीजेपी आ जाएगी, आपको लगता है? जी वो तो अब आई रही है बीजेपी, कितने बार उन्होंने कहा मैं इस्तीफे दे दूंगा मैं ये कर दूंगा, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अभी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में अपने इस्तीफा दे दिया जिससे मतलब की भाजपा पूरे रात भर भाजपा वाले उन्हें ढूंढते रहे की कहाँ चले गए मंत्री जी कहाँ चले गए और वो कोप भवन में बैठ गए तब जाकर। एक सलाह दे रहा हूँ आपको सर, जी जी सर ज्यादा मत कोसिएगा जी, समझ रहे हैं ना? जी जी हाँ ज्यादा मत कोसिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। जी दिक्कत होने होगी मुझे, किस बात की दिक्कत होगी? जिन्होंने चुनाव लड़ना है उन्हें दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत मतलब कल को घर वापसी कर गए तो फिर कोई बात नहीं, घर वापसी क्या है, वो तो उनका अपना वो है, उनका अपना कहा जाते हैं क्या कहते हैं उनके, उसके लिए स्वतंत्र है वो। आपकी आवाज मेरे तक बहुत कम आ पा रही है मैं जितना समझ पा रहा हूँ, लेकिन ओके मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनका उनका निर्णय है, वो भाजपा में रहे कांग्रेस में रहे आम आदमी पार्टी में रहे जिसमें मन। अच्छा वो उनका निर्णय है, क्या उनका निर्णय है वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है बेवकूफ नहीं बनेगी। जी सीमा जी वो मेरे मुंह से निकल गया था गलती से, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि जनता को बेवकूफ नहीं मतलब वो दिल जीत लेते जनता का। सीमा जी आप वो कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है ना वो बेवकूफ नहीं बनेगी, हरक सिंह रावत जो है भले ही सीट बदलने चुनाव हारे, लगता है आपको ऐसा? सीमा जी नहीं हारने वालों में से वो नहीं है, और बात ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला ना कि वो अगर छतरी तले करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो वो कहीं से भी लड़े, क्योंकि विकास को हर जगह हुआ है और वो अपने आप में भी कर्मठ नेता है, तो ऑब्वियस जीत तो होनी है। ये बात तो अच्छी तरह से जनता के साथ धोखा क्यों, कोटद्वार में भी जो आएगा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वो जीत ही जाएगा। नहीं नहीं कोटद्वार जो कमी है के साथ ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ नहीं करा होगा, लेकिन जो भी कमी पेशी रह गई वो हम आगे पूरी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी केंद्र से योजनाएं आती वो तो सब जगह ही होती है ना, चाहे वो कोटद्वार हो या आपका केदारनाथ वाली जगह या मसूरी हो या देहरादून हो कहीं पर भी हो उत्तराखंड हो पूरे, तो एक ही जैसी योजनाएं लागू होती है सब जगह। नहीं नहीं आपकी बात सही है, लेकिन कोटद्वार के लिए विधायक जी ने किया क्या, मंत्री जी ने माफ करिए, इतने बड़े मंत्री उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना है तो उन्होंने कुछ तो किया होगा ना कोटद्वार में।
सपने देखना सबका काम है, सपने देखने भी चाहिए, बड़े सपने देंगे तभी पूरे होंगे, यूनिवर्स भी यही कहता है कि सपने तो देखो तुम कितने पूरे करने, ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अगर आपने काम किया हो तो वाकई आज की डेट में जनता ये सब देखती है और जवाब भी देती है आपको, अगर आपने काम किया होगा तो आपको जरूर आगे लेके जाएगी, नहीं किया होगा तो भी बताएगी। नहीं नहीं तो आपको क्या लगता है वो एक ही सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, वजह क्या, क्यों भाग जाते? ये उनके, ये देखिए ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, सबका अपना अपना स्टाइल है। मैं तो ये कहती हूँ उनका अपना स्टाइल है कि वो नहीं लड़ना चाहते एक जगह से, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम एक ही सीट पे रहना पसंद करेंगे, हम जहां पर सेटल हो गए एक ही बार वैसे ही करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते, वो अब या तो वो वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं कि मैं कहीं से भी लड़ू देखो मैं कितना कैपेबल हूँ, वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि वो कहीं से भी लड़े वो जरूर जीतते ही जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छत्र ही चले वो लड़ेंगे, तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत कहां से लड़ेंगे, मेरी चिंता ये भी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखिए ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये शेष नेतृत्व का काम है और जल्दी इसका डिसीजन ले लिया जाएगा, तो वापस डोई वाला नंबर ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, अब इसका जवाब तो वो खुद भी नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं वो तो मैं जानता हूँ, गारंटी तो उनकी भी नहीं है, जब क्षेत्र की जनता ही अपने विधायक की गारंटी नहीं ले सकती तो फिर आप कहां से लेंगे मैडम, बस हमारा तो गारंटी तो कोई नहीं जी, अब हमारा तो मेन उद्देश्य होता है विकास करना और हम यही कहते हैं, और आपके चैनल से भी बोलूंगी मैं कि विकास के ऊपर राजनीति करिए और विकास ही देखिए, जनता को भी यही बोलेंगे और हम लोग करते भी यही, आप मोदी जी को आपको पता ही है वो तो यही कहते हैं विकास की राजनीति करो, तभी तो बार बार डबल इंजन कहते हैं कि एक इंजन वहां पर है और एक इंजन यहाँ पर है, तो उसको देखिए वहां से जितना भी विकास का भी कोटद्वार जाइए मैडम, कोटद्वार की जनता से एक बार पूछ के देखिए कि विधायक जी ने कितना विकास किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सिंह मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से कि मैं कांग्रेस का पक्ष सिर्फ फोन लाइन पर जोड़ पाया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब जनता को तय करना है कि अड़क को लेकर उसकी क्या राय है, लेकिन मैडम कह रही है जहां से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।